नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुस्तफिजुर रहमान और आप देख रहे हैं फैम प्रो। तो आज मैं थ्री से टोकन पर ड्राव करने का जो इजी मेथड है वही सिखाने वाला हूं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक थ्री से टोकन बर्ड कैसे ड्राव किया जाता है। अगर आप इस वीडियो फर्स्ट टाइम देख रही है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक लाइक तो ज़रूर बनता है और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हर कोई लेटेस्ट वीडियो आप तक मिल जाए। और आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियो है, सब कुछ ड्राइंग के ऊपर ही होते होंगे और शायद आपको वहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज का जो ये मेथड था टोकन बर्ड ड्राव करने का, एकदम सिंपल और इजी मेथड ये थ्री से। तो जैसे आप देख रही है स्क्रीन पे कि थ्री के ऊपर वाले साइड में ऐसे पहले ड्राव कर लेना है और यहाँ से और एक लाइन एकदम नीचे तक आएगा, यहाँ पे आई बनेगा, ये बन गया आई। अब यहाँ से नीचे तक एक कर्व लाइन ऐसे आएगा, ये लाइन और भी नीचे आएगा ऐसे और थोड़ा सा नीचे जाएगा यहाँ तक। अब ऊपर वाले साइड से ऐसे एक लाइन यहाँ पे लाके छोड़ दीजिए। अब ये जो लाइन है यहाँ से ऐसे यहाँ पे छोड़ना है और यहाँ से पंख निकलेगा, ये और भी ज़्यादा आएगा यहाँ तक, फिर ये बनेगा पंख। टोकन पर ड्राव करने का ऐसे भी आज इजी मेथड शायद आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं फर्स्ट टाइम रिचार्ज करके निकाला। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे बन रहा है एक टोकन बर्ड, और यह से बनेगा पैर इस सेट में और एक कर्व लाइन यहाँ पे ऐड करना है और यहाँ पे और एक पैर बनेगा। यहाँ पे एक लाइन हो गया, अब बीच में लाइन को ऐड करना है यहाँ पे भी एकदम यहाँ तक, और नीचे वाला लाइन यहाँ से आएगा यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा सेम, अब इस साइड में। और यहाँ का जो लाइन है ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब नीचे वाला हिस्से यहाँ से ऐसे एक लाइन एकदम यहाँ तक छोड़ना है, अब यहाँ से फिर से और एक लाइन इसको ऐसे यहाँ पे लाना है, यहाँ से ऐड कर देना है ऐसे, और एक लाइन निकलेगा यहाँ से इसको लाके यहाँ पे ऐड करना है। तो बस फाइनली बन चुका है। तो दोस्तों नंबर थ्री से एक टोकन बर्ड कितना इजीली बन चुका है वो तो आप देख ही रहे हैं। उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा और बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।